जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पास आ रही है, आने वाली है, तो ऐसे में आपको यह पता होना चाहिए कि घर में सुख शांति समृद्धि और अपनी जरूरत के हिसाब से आपको कैसी गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति घर लानी चाहिए और उसकी स्थापना करनी चाहिए। तो आप सभी को पता ही होगा कि गणेश भगवान का स्थान सभी भगवानों में सबसे ऊपर माना जाता है, इसीलिए शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा आरती से ही की जाती है। तो गणेश जी यदि आपसे खुश हैं, यदि आप पर उनकी कृपा बन जाए, तो ऐसे में आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की कभी भी कमी नहीं आती और जो भी आपकी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि गणेश उत्सव पर आपको घर पर गणेश जी की कैसी प्रतिमा या मूर्ति लानी चाहिए। तो सबसे पहले जो विवाहित जोड़े हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और वो संतान जल्दी शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको गणेश उत्सव पर घर पर आपको बाल गणेश जी की मूर्ति लानी चाहिए। करने से संतान प्राप्ति के शीघ्र योग बन जाते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में अशांति की समस्या है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, या फिर आप सुख शांति चाहते हैं, घर के अंदर अच्छा माहौल बना रहे, जीवन के अंदर आनंद चाहते हैं, प्रगति सफलता चाहते हैं, तो नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा आपको घर पर लानी चाहिए और उसकी स्थापना करनी चाहिए। और जो लोग कला से जुड़े हुए हैं या आर्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो डांसिंग हो चाहे वो पेंटिंग हो, तो ऐसे लोगों को घर पर नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति ही स्थापित करनी चाहिए। जीवन में आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है लेकिन सुख शांति का अभाव है, तो जीवन में सुख शांति और आनंद लाने के लिए, एकदम रिलैक्सेशन लाने के लिए आपको घर पर आराम करते हुए गणेश जी की प्रतिमा लानी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है, घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनता है। अलावा यदि आप घर में सब कुछ पाना चाहते हैं, किसी भी बात की कमी ना हो आपके जीवन के अंदर, सुख शांति समृद्धि और आपकी मनोकामना पूर्ण हो, तो ऐसे में गणेश महोत्सव पर आपको ऐसी गणेश जी की मूर्ति लानी चाहिए जिनके एक हाथ में वरदान देते हुए गणेश जी हो, एक हाथ में दांत हो, एक हाथ में लड्डू हो और उनके पास उनका जो वाहन है मूषक राज वो भी होना चाहिए। ऐसे गणेश जी की मूर्ति से आपके जीवन के अंदर शुभता आएगी, सब कुछ शुभ होगा, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी और ऐसे में आपको गणेश जी की पूरी कृपा प्राप्त होगी। गणेश चतुर्थी पर हम इतना ही कहना चाहेंगे, इस बार जो गणेश चतुर्थी त्योहार आ रहा है उसे आप खुशी खुशी मनाएं और आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिले जिसकी आप कामना रखते हैं। तो आशा करते हैं कि भगवान गणपति आपको इस बार आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करें और हमारी ओर से गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।